नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। आज है 18 नवंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। स्वास्थ्य विभाग का फैसला, अब डिपो में राशन लेने वालों की होगी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले सभी व्यक्तियों के टीकाकरण की स्थिति की जांच की जाएगी और छूटे हुए सभी पात्र व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण के लिए निकटतम टीकाकरण केंद्र में टीका लगाने की सलाह दी जाएगी। इसके अलावा विभाग ने डिपो होल्डर को निर्देश दिए कि वे डिपो में राशन देते समय लोगों के टीकाकरण प्रमाण पत्र की जाँच करके टीकाकरण के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करें। सूचीबद्ध लाभार्थियों की ये जानकारी आगे नजदीकी स्वास्थ्य संस्थानों की स्वास्थ्य टीमों के साथ साझा की जाएगी। इसके साथ ही स्कूल प्रशासन को विद्यार्थियों के परिवारों की कोविड टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद स्कूलों को लाभार्थियों की सूची तैयार करके निकटतम स्वास्थ्य संस्थान को देनी होगी। हिमाचल में कोरोना से एक की मौत, 4 विद्यार्थियों समेत 96 नए कोरोना संक्रमित मरीज। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कोरोना से एक मौत हुई है, जबकि 4 विद्यार्थियों समेत 96 नए कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। कोरोना से कांगड़ा जिले में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। वहीं नए आए संक्रमितों में बिलासपुर के 8, चंबा के 2, हमीरपुर के 19, कांगड़ा के 24, कुल्लू के 2, मंडी के 11, शिमला के 15, सोलन का 1, ऊना के 14 मरीज शामिल है। इन मामलों के आने से प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 2,26,118 पहुँच गया है। इनमें से 2,21,102 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के इस समय 1,193 सक्रिय मामले हैं। स्कूलों में 576 लाभार्थी हुए संक्रमित, मिड डे मील कर्मियों को सेकेंड डोज लगाने के निर्देश। सरकारी स्कूलों में अभी तक 576 विद्यार्थी संक्रमित हुए हैं। इनमें से 458 स्वस्थ हो गए, जबकि 67 विद्यार्थियों का भी उपचार चल रहा है। इस दौरान शिक्षा विभाग ने स्कूलों में सभी मिड डे मील कर्मियों को कोविड वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाने को कहा है। एनटीटी के पदों को भरने के नियमों में किया जाए बदलाव, सरकार से राहत की अपील। बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापक संघ ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले नर्सरी ट्रेन टीचर का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त मंडी अर्दिम चौधरी से मिला। इस दौरान उनके माध्यम से विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन प्रदेश सरकार को प्रेषित किया है। बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापक संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार ने नर्सरी ट्रेन टीचर के पद का भरने का जो निर्णय लिया है, उसके नियमों में बदलाव किया जाए। एनटीटी के पदों को भरने की आयु सीमा की शर्त को हटाया जाए। वहीं शिक्षा विभाग ने जो 2 साल का प्रशिक्षण कोर्स मांगा है, उसमें 1 साल का डिप्लोमा अनिवार्य किया जाए, ताकि हजारों महिलाओं को रोजगार मिल सके और बैचवाइज भर्ती की जाए। और गुड न्यूज, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 25,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करीब 25,000 कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कमेटी में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। बुधवार को कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की ओर से सभी विभागाध्यक्षों और बोर्ड व निगमों के प्रशासनिक सचिवों और प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मचारियों का ब्यौरा एकत्रित कर उन्हें भेजने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इन कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित MOU या एग्रीमेंट की छाया प्रति भी साथ भेजने को कहा गया है। प्रदेश सरकार की इस मुहिम से हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों में खुशी की लहर है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के विभिन्न विभागों और बोर्ड के निगमों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारित करेगी। नीति निर्धारण करने के लिए बनाई गई कमेटी जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजेगी। खबर, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से मूल्यांकन में लापरवाही पर HPU के परीक्षा नियंत्रक और रजिस्ट्रार को नोटिस। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में लापरवाही और याचिकाकर्ता के कैरियर की अपूर्णीय क्षति से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और
न्यायमूर्ति सवीना की खंडपीठ ने केशव सिंह की ओर से दायर याचिका पर ये आदेश पारित किया। कोर्ट ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर बोले, विधानसभा चुनावों में मजबूत उम्मीदवारों को उतारेगी कांग्रेस। आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत उम्मीदवारों को ही हर विधानसभा क्षेत्र में उतारा जाएगा। जहां लंबे समय से कांग्रेस नहीं जीती है, उन क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत पैदल मार्च किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी व महंगाई के मुद्दे पर भी अभियान के तहत आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। ये बात बुधवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कही। 5 राज्यों के 44 पिछड़े जिलों में मोबाइल टावर, 4G के लिए 6,766 करोड़ रुपए की योजना। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में दूरसंचार नेटवर्क और सड़क संपर्क से वंचित 44 जिलों के 7,287 पिछड़े एवं जनजातीय गांवों में 4G नेटवर्क सुविधाएं पहुंचाने के लिए बुधवार को 6,466 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत इन गांवों में दूर संचार टावर के निर्माण के साथ साथ 5 साल के लिए परिचालन खर्च का भी प्रावधान शामिल है। खबर शिक्षा विभाग से, शिक्षा विभाग के गले की फांस बना प्रधानाचार्य नियुक्ति का मामला। सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति का मामला शिक्षा विभाग के गले की फांस बन गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की मुहिम के विरोध में कई शिक्षक संगठन खड़े हो गए हैं। इन संगठनों के पदाधिकारी पदोन्नति कोटे से छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हैं, जबकि स्कूल प्रवक्ता संघ कोटे को 50% से बढ़ाकर 60% करने की मांग पर अड़े है। अभी प्रवक्ता और मुख्य अध्यापकों को 50% पदोन्नति कोटा तय किया गया है। पदोन्नति कोटे को बढ़ाने का विरोध कर शिक्षक संगठनों का कहना है कि उच्च न्यायालय में पहले से एक केस दर्ज है, जब तक उच्च न्यायालय की ओर से इस केस का निपटारा नहीं किया जाता तब तक इस तरह की बैठक न्यायालय की अभिमान है। संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संघ को विश्वास में लिए बगैर इस तरह की बैठक करवाई गई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन कर निदेशालय का घेराव किया जाएगा। उधर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी वर्गों से चर्चा करने के बाद इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। इस मामले को लेकर अभी प्रारंभिक बैठक हुई है, तय कुछ भी नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, वन नेशन वन लेजिस्लेशन पर हो काम, डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी करे उपयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन लेजिस्लेशन, एक राष्ट्र एक विधायी मंच के मंत्र पर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें एक पोर्टल विकसित करके संसदीय व्यवस्था की जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जा सकती है। इससे देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 82 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल बाद देश की आजादी के 100 साल का उत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में 25 साल का अमृतकाल बेहद महत्वपूर्ण है। खबर, भारतीय जनता पार्टी से ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर और नीलम सरेख बनी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर और नीलम सरेख को भाजपा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने नालागढ़ से संबंध रखने वाले पुनीत शर्मा को भाजपा सोशल मीडिया विभाग का प्रदेश संयोजक तथा ऊना से संबंध रखने वाले अनिल डडवाल को भाजपा आईटी विभाग का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है। गौरव की भाजपा ने ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को मंडी संसदीय क्षेत्र और नीलम सरेख को जुब्बलकोट खाई विधानसभा में हुए उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी बनाया, लेकिन दोनों को ही चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। जुब्बलकोट खाई में तो भाजपा प्रत्याशी नीलम सरेख की जमानत तक जब्त हो गई थी, हालांकि पार्टी ने अब दोनों को प्रदेश कार्य समिति सदस्य नियुक्त कर नई जिम्मेदारी सौंपी है। प्रमोशन, शिक्षा विभाग में 100 कनिष्ठ सहायक बने वरिष्ठ सहायक। उच्च शिक्षा विभाग में 100 कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई है। इस संबंध में विभाग के निदेशक की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को पदोन्नत कर्मचारियों की लीविंग और ज्वाइनिंग के दौरान उनके दस्तावेज वेरीफाई करने को कहा गया है। साथ ही अधिकारियों को चेक करना होगा कि पदोन्नत कर्मचारियों पर विजिलेंस जांच तो नहीं चल रही है। खबर, हाईकोर्ट से बरमोर में सेवाएं देने वाले 4 तहसीलदारों को नोटिस। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने चालक के पद से मौखिक बर्खास्तगी को चुनौती देने वाले एक मामले में
चंबा जिले की भरमौर तहसील में सेवा देने वाले 4 तहसीलदारों को नोटिस जारी की है। न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने ये आदेश केवल सिंह की याचिका पर पारित की है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे तहसीलदार भरमौर के कार्यालय में ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2016 से अपनी प्रारंभिक नियुक्ति से भी अस्थायी तौर पर प्रतिवादी विभाग का वाहन चला रहा था। उसने आरोप लगाया कि वे प्रतिवादी विभाग के साथ साथ लगातार ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन वर्ष 2017 से विभाग ने उसे वेतन देना बंद कर दिया है। पुलिस विभाग ने जारी की एडवाइजरी, 30 दिनों में निपटेंगे SC और ST वर्ग से जुड़े आपराधिक मामले। हिमाचल में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े लोगों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं की जांच अब प्राथमिकता के आधार पर होगी। पुलिस विभाग ने 30 दिनों के भीतर इनका निपटारा करने की समय अवधि तय की है। इनसे जुड़े मामलों की जांच ऐसे अधिकारी से होगी जो उप पुलिस अधीक्षक के रैंक से कम नहीं होगी। लोगों के साथ होने वाले अपराधों की जाँच और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1999 को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि सभी SP अपने जिले में अत्याचार संभावित क्षेत्रों की पहचान करें। सरकारी स्कूलों में बड़ी हाजिरी, 4th कक्षा में 78, 5वीं में 81% विद्यार्थी पहुंचे स्कूल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को 4th कक्षा में 78 और 5वीं कक्षा में 81% विद्यार्थी स्कूलों में पहुंचे। वीरवार से शुरू होने वाली फर्स्ट आर्म बोर्ड परीक्षाओं के चलते 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति में कमी दर्ज हुई है। बीते 2 दिन के मुकाबले बुधवार को 1ली से 8वीं कक्षा में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 4 से 5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। खबर शिमला से, PC के लिए लाया गया कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार। बालूगंज थाना क्षेत्र से हत्या मामले का विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। आरोपी की पहचान डाडीराम उर्फ सागर उम्र 37 पुत्र टेलू चंद नेपाल निवासी के तौर पर हुई है। वे बुधवार सुबह 11 बजे चक्कर कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाते समय पुलिस को चकमा देकर भाग गया। देर रात तक आरोपी का सुराग नहीं मिला। शिमला पुलिस की अलग अलग टीमें उसकी तलाश में जुटी है। खबर सोलन से, कारोबारी से मारपीट पर IRS समेत 3 अफसरों के खिलाफ केस दर्ज। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में GST को लेकर कारोबारी से मारपीट करने पर एक IRS समेत 3 अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उधर बुधवार को व्यापारियों ने GST कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो व्यापारी बद्दी बाजार को बंद कर आंदोलन करेंगे।